राफेल ने आधिकारिक रीते हवे वायुसेनामां सामेल करवामां आवशे अने 10 सप्टेम्बरे राफेलनो थशे गृह प्रवेश। राफेलने सत्तावार रीते वायुसेनामां सामेल करवामां आवशे। अंबाला एरफोर्स स्टेशन खाते समारोह थशे। आपने जणावी दईए के राफेलना भारत पहोंच्या बाद हवे वधु जानकारी 28 जुलाईए फ्रांसथी 5 राफेल आव्या छे अने हवे तेने वायुसेनामां सामेल करवानी तारीख पण सामे आवी गई छे। 10 सप्टेम्बरे राफेल सत्तावार रीते वायुसेनामां सामेल करवामां आवशे। अंबाला एरफोर्स स्टेशन खाते एक समारोहनुं पण आयोजन थशे अने त्यारे ज आ 5 राफेलने भारतीय वायुसेनामां सामेल करवामां आवशे अने ત્યારબાદ ભારતીય વાયુસેનાના જવાનો તેનો ઉપયોગ કરી શકશે અને ચોક્કસપણે ત્યારબાદ દેશની તાકાતમાં સંપૂર્ણપણે વધારો જોવા મળશે। અંબાલા એરફોર્સ સ્ટેશન ખાતે આ સમારોહ યોજવામાં આવશે। 10 સપ્ટેમ્બરની આ તારીખ કે જ્યારે 28 જુલાઈ ફ્રાન્સથી આવેલા 5 રાફેલને હવે વાયુસેનામાં સામેલ કરવામાં આવશે। આ બાદ એક મહત્વપૂર્ણ સમારોહ પણ યોજવામાં આવશે। ભારતીય વાયુસેનાની તાકાતમાં વધારા કરતા રાફેલને હવે સત્તાવાર રીતે સેનામાં સામેલ કરવામાં આવશે, વાયુસેનામાં સામેલ કરવામાં આવશે। અહીં આપણે ખાસ જણાવી દઈએ કે 28 જુલાઈ ફ્રાન્સથી 5 રાફેલ આવ્યા છે અને હવે 10 સપ્ટેમ્બરે રાફેલનો ગૃહ પ્રવેશ થશે। સત્તાવાર રીતે વાયુસેનામાં તેને સામેલ કરવામાં આવશે। વધુ જાણકારી અમારા સંવાદદાતા રજનીશ રંજન આપી રહ્યા છે। રજનીશ, જાણકારી દીજે, કિસ તરહ કા હોગા સમારોહ? बिल्कुल, देखिए 10 सितंबर को ये बड़ा कार्यक्रम होगा जब राफेल की जो पहली खेप भारत आई थी 29 जुलाई को उसका इंडक्शन सेरेमनी जो है वो भारतीय वायुसेना औपचारिक रूप से करेगी और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि रहेंगे, यानी कि उनके मौजूदगी में ही ये इंडक्शन सेरेमनी किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खास कार्यक्रम के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पैली को भी बुलाया गया है, वो भी उस दिन अंबाला पहुंचेंगे और दोनों देशों के रक्षा मंत्री की मौजूदगी में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में आधिकारिक तौर पर 5 राफेल लड़ाकू विमानों को इंडक्ट किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। और चूंकि भारत ने 36 राफेल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है फ्रांस के साथ, तो अगले कुछ वर्षों में वो खेप भी मिलेगी, लेकिन फिलहाल जो 5 विमान हमारे देश में आए हैं उसको इंडक्शन सेरेमनी के जरिए ही, ये एक प्रोटोकॉल है और एक परंपरा है, उस परंपरा के तहत ही ये कार्यक्रम किया जाएगा, उसको कंप्लीट किया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि उस दिन ये एक बड़ा प्रोग्राम होगा, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी वहां पे जाने की चर्चाएं थी, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद रहेंगे, भारतीय वायुसेना के प्रमुख वहां पर मौजूद रहेंगे, वायुसेना के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी खास तौर पर वहां पर मौजूदगी रहेगी और एक बड़ा इवेंट, एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर बनाया जाएगा राफेल को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करने। शुक्रिया रजनीश पुरी जानकारी के लिए। तो जानकारी मिली रही है के अनुसार रक्षा मंत्री खुद उपस्थित रहेंगे, वायुसेना प्रमुख उपस्थित रहेंगे, एटलू ज नहीं फ्रांस ना रक्षा मंत्री पण उपस्थित रहेंगे अने समारोह दरमियान राफेल सत्तावार रीते अंबाला एरफोर्स स्टेशन खाते વાયુસેનામાં સામેલ કરવામાં આવશે। આપને યાદ દેવડાવી દઈએ કે 28 જુલાઈએ ફ્રાન્સથી આ 5 રાફેલ પહોંચ્યા છે અને અન્ય જે રાફેલ છે તે હજુ ભારત પહોંચવાના બાકી છે।